साडे समाज दे विच अज वी किते ना किते धीआं नूं बोझ समझिया जांदा है ते जदों धीआं दे वल्लों मापिआं दा नां रोशन कीता जांदा है तां ताने मारन वालिआं दे मूंह ते वी लगाम लग जांदी है। जिहां दस दईए कि अजिहा ही कुछ मामला सामने आया छपरा तों जिथे कि एक किसान दीआं 7 धीआं पुलिस विभाग दे विच भर्ती होईआं ने। जी हाँ, दस दईए कि जदों इह 7 धीआं ने घर दे विच जन्म लिया तां किसान दा कहिणा सी कि पिंड दे हर एक बंदे ने उसनूं ताना मारिआ कि इन्नी धीआं जम तां लईआं ते हुण इन्हां नूं सांभेगा किवें। तां जिस तों बाद किसान दा कहिणा हुंदा सी कि देण वाला परमात्मा ते सांभण वाला वी परमात्मा है, तुसीं अपनी किरत करो ते फल परमात्मा लावेगा। बस यही कह के किसान अपने संघर्ष दे विच लग्या रहा ते अज धीआं ने भी पूरा मुल मोड़िआ। दस दईए कि 7 धीआं पुलिस विभाग दे विच भर्ती होईआं ने, जिस दे विच एक बेटा भी शामिल दस्या जा रहा। हालांकि बेटा अपनी लगातार पढ़ाई पूरी कर चुका है ते हुण ओह भी अगे वड्डे अफसर की तैयारी कर रहा है। जी हाँ, दस दईए कि हुण उस किसान दा कहना कि किसी समय ओह एक कमरे दे विच रहिंदे सी, पर हुण इन्हां 7 धीआं ने 2 पिंड दे विच आलीशान कोठियां भी बना के दे दित्तियां ने, जिस तों बाद जो ताने मारदे सी उन्हां दे मूंह दे उत्ते भी लगाम लग गई है। हमार नाम राजकुमार सिंह उर्फ कोमल सिंह, कोमल सिंह के नाम से यानी हम एजा यानी प्रचलित बने। बेटियों को किन हालातों में आपने पढ़ाया लिखाया और उस कदर आपने पहुंचाया कि आज 7 बेटी जो है उस सेना में है? अब पहले हम अपन पता देते नहीं, हमार नाम कोमल सिंह, घर नचाप, घर एकमा, दोनों जगह हमार घर बा। नचाप के घर से थाना हो गई माझी, एकमा के घर से थाना हो गई एकमा। अच्छा, हम कहना हो कि 84 में नचाप छोड़ देनी, जबकि ओजा 2 बेटी भई रहलो। ओजा भाई या चाहे टोला महला अब कहतलो कि इंकर कर खाली बेटिए हुई। अच्छा, इंकर सब धन दौलत यानी शादी ब्याह में सब उड़ा जाए, धूरे धूर बिका जाए। तले एकमावनी तो फिर 3, 4, 5, 4 का बाद यानी जुड़वल हुआ गई। उकरा बाद का नौ जी एगो बबुआ, उकरा बाद एगो लास्ट में 7 बेटी नन्ही यानी अली। समाज में लोग कहता है कि बेटियों का जो है दर्जा नहीं, आज तो सरकार भी बेटियों के लिए जो है बराबर का हक दे दी है। ये भी ये समझौता कि बेटी यानी समाज में ठीक नहीं थी, लेकिन हम ये कहे कि बेटी समाज में खूब अच्छा बड़ी। आ बेटी यदि ना रहस तो और कैसे आगा बढ़ी। इहो बात जरूर बा, जरूर का बा। हम ई मननी कि परिस्थिति तो हमार नाजुक बा, लेकिन यही में एकरा के सुधार करे खातिर बेटी के खूब बढ़िया से पढ़ौनी लिखौनी। यहाँ तो कि एक एक कर कर के 7 बेटी यानी अपन जॉब पकड़ ले ली, वो सरकारी, वो कहना हो कि ये देश के सेवा में 7 बेटी लाग गई। आपके पास कोई सरकारी नौकरी नहीं था, आटा चक्की का मशीन चलाते थे, उस हालातों में आपने पढ़ाया ही नहीं बल्कि नौकरी भी दिलवाई। बात सही बा, उस समय तो यू रहे कि यदि हम खिया देता नहीं तो बढ़िया पहनावा तो नहीं की, बढ़िया यानी कहना हो कि ये लोग के शिक्षा हम दिया देवे लायक नहीं की, लेकिन ये लोग आतना ना, ये लोग के भगवान के या सरस्वती के दिन रहे कि ये लोग यानी जहाँ जौना भी क्लास में गई फर्स्ट डिवीजन ये लोग के आई,
आ एक से सातो जानी, एक से दूसरा यानी फार्म दू जानी, दू गो फार्म भर ली तो दोनों यानी कहना हो कि उ कॉल लेटर आ गल कि ज्वाइनिंग लेटर आ गल कि ज्वाइनिंग करो लोग। लेकिन हमारा ये रहे कि ना पहले जौन यानी आ गल बा यही में ज्वाइन तू लोग कॉल। आपकी सारा तो बेटी सेना में है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशहाल, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या लगता था कि हमारी एक साथ सातों बेटी सेना में जाएंगी? ये थी तो ना रहे, बाकी भीतर से हौसला रहे कि हाँ हम अपने बेटी के कामयाब करें ना। मतलब पूरे इलाका में उन्होंने नाम रोशन किया। हाँ। क्या नाम है? कुमारी पिंकी सिंह। कैसा लग रहा है कि आप सातों बहन एक साथ सेना में हैं? बहुत खुशी होती है, और ये दिन देखने के लिए हम सातों बहन बहुत ज़्यादा संघर्ष किए हैं, मतलब बहन के साथ साथ गार्डियन भी किया है लोग। क्या लगता था जब आपके पापा उस कदर आप लोगों को करा, जिनकी हालात इनकी अच्छी नहीं थी, उस परिस्थिति में आप लोगों को इन्होंने उस मुकाम तक पहुँचाया, शायद अभी किसी ने नहीं किया हो? वो आदमी बस वही देखता था, जिसे गार्जियन का संघर्ष देखता था, चाहे जो भी मतलब गार्जियन मेहनत करते थे उसको देखता था। आदमी सोचता था कि मतलब गार्जियन मेरे मगर लगा रहे हैं तो ना हुआ कि इनका एकदम पाई पाई इनको चुकता कर देना है, कि अगर ये लगा रहे हैं तो इनका सक्सेस मतलब नजायज न जाएगा। जो भी मतलब हमारे में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम मेरा भी जैसे कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है कि इनको भी कुछ दे बदले में। आप जैसे बेटियां ही इस तरह का मतलब आप सोच रखती हैं, जो कि माँ बाप का जो बहुत लोग का होते हैं जो कि कर ज़्यादा करते हैं, लेकिन आप ऐसा सोचे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। तो जहाँ तक आदमी का सोच रहता है, जैसा सोच रहता है वैसा ही ना करेगा। सोच आदमी का अच्छा था, अच्छा किया।